अगर पानी में डालेंगे तो क्या होगा? पानी में तैरेगा। सॉरी, आपका थर्मोकॉल है तैरेगा। तो अगर इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा? तैरेगा, तैरेगा। अगर इसको मिट्टी में डाल दें तो दब जाएगा, लेकिन ये हटेगा तो नहीं। अगर ये किसी पाइप में चला जाए तब क्या होगा? फंस जाएगा, मतलब उसकी फ्लो को रोक देगा। ये फ्लैक्स ऑयल है, अलसी है ना, हमारे यहाँ जो अलसी होता है इसको। तो हमने इस पे डाल दिया। अभी देखिए कुछ हो रहा है इसमें? नहीं, मेल्ट हो रहा है। मेल्ट हो रहा है ना धीरे धीरे। तो थर्मोकोल तो नहीं गलता था, लेकिन ये गलने लगा ना। इसी तरीके से हमारे जो आर्टरीज होते हैं, क्रोनिक आर्टरीज जो होते हैं इसमें हार्ट में, उसमें क्या होता है, हमारा जो हम बाहर की चीजें, तेल और ये सब चीजें खाते हैं है ना, उससे क्या होता है, वो जाके पूरा जम जाता है, उसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो जब आप अलसी खाते हो या फ्लैक्स सीड खाते हो तो ये आपकी नली को साफ करता है, प्यूरीफाई करता है। तो जब आप ये प्यूरीफाई रहेगा तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आपको बीपी जो ऊपर नीचे होता रहता है, बढ़ जाता है, वो इसी कारण से होता है ना। इसको विसरल फैट भी बोलते हैं, ये बॉडी में जाके पूरा जम जाता है। आज की डेट में लोग मोटापा नहीं हो रहा है, ये वही विसरल फैट है जो आपके बॉडी में चला गया है। जब आपके ये हार्ट के उधर जाता है तो आपका बीपी बढ़ा देता है, जब आपके लीवर के पास जाता है तो फैटी लीवर हो जाता है, जब आपके पैनक्रियाज में जाएगा तो डायबिटीज होने का खतरा हो जाएगा, जब आपके किडनी में जाएगा तो किडनी को डैमेज करेगा। तो अगर हम फ्लैक्सीड ऑयल अगर रोज ले रहे हैं अपने खाने के साथ में, एक आहार इसको अगर ऐड कर रहे हैं, तो ये आपको इन सभी चीजों से बचा के रखेगा। जो स्वस्थ लोग भी खा सकते हैं, बिल्कुल खाना है, क्योंकि आने वाले समय, अभी जो हमारा